चालू करके एक बार दिखाया GSRTC की बस। ये इमरजेंसी एग्जिट है जो बस का एक्सीडेंट वगैरह होता है। ये ब्रेक है और उसके बाद दबाओ ना, हाँ दबाओ। GSRTC ने हाइट को इंक्रीज किया है। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ फिलहाल पोरबंदर बस स्टैंड में, आप मेरे पीछे देख लीजिए पोरबंदर बस स्टैंड है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। GSRTC ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही अपनी नई बसेस को लॉन्च किया है, उसमें से एक बस का आज हम रिव्यू करेंगे। ये वाली बस होने वाली हमारी एक्सप्रेस बस, ये वाली बस है हमारी। GSRTC ने नए लुक के साथ, नए डिजाइन के साथ और नए कलर के साथ लॉन्च किया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर फिर फुल रिव्यू दिखाऊंगा इस वाले वीडियो में, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है GSRTC ने इस वाली बस में। तो चलिए इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी बस और उनके ड्राइवर और कंडक्टर। क्या नाम है आपका? कमलेश भाई। कमलेश भाई आप ड्राइवर है? और आप? मेरा नाम राजन है। राजन भाई कंडक्टर, ये वाली बस के ड्राइवर और कंडक्टर है। इनसे बातचीत करते हैं, पहले आपको बस दिखा दूं। ये वाली बस है GSRTC की डिलक्स एक्सप्रेस बस है, नए कलर के साथ। ये वाला कलर है जो स्काई ब्लू, नए डिजाइन के साथ, नए लुक के साथ GSRTC ने 2-3 दिन पहले लॉन्च की है। दिवाली की भेंट दी है, यहाँ पे GSRTC का बेजिंग किया हुआ है और ऐसे कुछ डिजाइन के साथ है और हाइट को इंक्रीज किया है। BS6 मॉडल है, फेज 2 का अशोक लेलैंड की है बस। और बंदर रूट पे कोई भी गाड़ी नहीं थी 8-9 साल से, तो पब्लिक को पूरा सर्विस मिलेगा और पोरबंदर रूट पे सूरत जाने के लिए कुछ गाड़ी नहीं थी। तो ये वाली बस को जस्ट लॉन्च किया है 2-3 दिन पहले। ये वाले नए रूट आपको दिखा दूं, देख लीजिए। तो ये वाला रूट है पोरबंदर और सूरत, बस वो ही दोनों को कनेक्ट करती है ये वाली बस। जस्ट GSRTC ने लॉन्च किया है नया रूट और नई बस के साथ। तो चले अभी अंदर चलते हैं, अंदर का आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। कलर कैसा दिख रहा है मुझे बता देना, पहले आपको एक वो कराऊँ दे देता हूँ। यहाँ पे आपका बैटरी बॉक्स हो गया, स्पेयर व्हील हो गया, फिर ये है दरवाज़ा, इस साइड बीच में दिया है, लगेज बॉक्स आ गया। अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो तो आप पीछे भी रख सकते हैं। ये फिर से लगेज बॉक्स है, सूरत का डेपो लगता है और BS6 मॉडल फेज 2। फेज 2 क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे रूट बोर्ड हो गया। इस वाली बस में जो है GSRTC ने हाइट को इंक्रीज किया है, GSRTC की बैजिंग हो गई। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो गया जो अंदर से आपको दिखाया जाएगा अभी। यहाँ पे फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक की बात हमारे ड्राइवर साहब है उनसे भी बातचीत करेंगे कि इतना फ्यूल आता है क्या है। ये DEF का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट में बताना, ये किस लिए यूज़ होता है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। चलिए अंदर से हमको दिखा दीजिए कैसी बस है, और ड्राइवर साहब आप मुझे अंदर का जो ड्राइवर कैबिन व्यू वो भी दिखा दीजिए। चलिए ये इस बार इसमें इम्प्रूवमेंट किया है ना, ये वाला इसको चेंज कर दिया, लॉक दिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, तो देख लीजिए ऐसा कुछ अंदर से इंटीरियर है। इस बस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। कंडक्टर साहब सीट्स कितने अंदर? 51 सीट है, इसलिए 51 सीट्स है मतलब, और आपके आपकी साथ 52 हो जाए। कंडक्टर सीट्स के साथ 52 सीट्स है। और ये जो है एक्सप्रेस बस, डुलेक्स एक्सप्रेस बोलते हैं इसको ना, कंफर्टेबल है ये सीट। यहाँ पे आपको देख लीजिए कंडक्टर सीट, ये गुजराती में लिखा है लेकिन ये कंडक्टर सीट है। ये वाली भी पीछे आपको मैं दिखा दूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो गया। हमारे कंडक्टर साहब से एक बार ये वाली इमरजेंसी एग्जिट है जो कैसे वर्क करता है दिखा दीजिए हमें कंडक्टर साहब। ये इमरजेंसी एग्जिट है जो बस का एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी इमरजेंसी होती है जो पब्लिक बैठी होती है, तो यहाँ से खोलने का, और ये कांच होता है वो उसको तोड़ ब्रेक के ब्रेक करने का, और खुल जाता है यहाँ से, खुल जाए और इजीली आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो इजीली यहाँ से पब्लिक बाहर निकल सकती है, इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है। और देन यहाँ पे आपको दिखा दूँ 52 छोटा लगेज रखने के लिए, यहाँ पे बैग वगैरह जो होता है पैसेंजर का वो रखने के लिए होता है। ठीक है ठीक है, ये लगेज के लिए, ये दिव्यांग के लिए है ये सीट। यहाँ पे देखो ये इतना इंक्रीज किया है, रेडियम पट्टी लगाई है यहाँ पे, मतलब हाँ ओके ओके, ब्लाइंड लोग होते हैं उसको, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए ये सीट्स है। देखिए नया इंक्रीज किया है कि यहाँ पे सब जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है यहाँ पे, अगर कोई ज्यादा भीड़ है तो ये ऐसे खड़े रह के आप मुसाफिरी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो भी योजनाएं आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन योजना का पब्लिक लाभ ले सकती है। ठीक है ठीक है, GSRTC में, GSRTC का आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कचरा मत कीजिए। यहाँ पे भी कचरा किया हुआ है तो ध्यान रखें, कचरा मत कीजिए, प्लीज मेंटेन कीजिए बस को। तो अभी आपको आगे से दिखा दूं, आपको पता है कि मैं जब भी जर्नी करता हूँ तो मेरी 3 नंबर की सीट होती है। चलिए अंदर चलता हूँ, आपको ये वाला ड्राइवर कैबिन पहले दिखाता हूँ। ड्राइवर कैबिन में आ चुके हैं और हमारे ड्राइवर साहब से थोड़ी बातचीत करते हैं। तो ड्राइवर साहब कैसे है? फिर से बढ़िया है ना, आप कहाँ से हो? यहाँ से बाजू के बड़े गांव से, मतलब यहाँ से ये यूजुअली यहाँ से। आपने बताया कि सूरत से कोई बस डायरेक्ट यहाँ पे नहीं थी, तो GSRTC ने नई बस स्टार्ट की है। चालू करके एक बार दिखाए GSRTC की बस। सो ये किसके लिए? ये है स्पीड किलोमीटर। हाँ ये अपना देखिए, डीजल का जो कांटा है वो है, वो
आरपीएम है, आरपीएम हाँ, गर्मी का कांटा है, मतलब वो एयर का कांटा, एयर 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 का तो ये है अंदर है ना, ये गर्मी का कांटा है, स्टैम्प पैटर्न है। ओके ओके, सिक्स गियर आते हैं इसमें और प्लस रिवर्स। मुझे जहाँ तक जानकारी है तो जो बड़ी गाड़ी होती है बस ट्रक, उसमें डायरेक्ट दूसरे गियर से स्टार्ट होती है गाड़ी, दूसरे गियर से चलानी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, और ये नीचे आप दिखा दीजिए कि जो क्लच वच कहाँ से आता है। इधर से क्लच होता है, एक मिनट में आपको दिखा दूँ। ये वाला क्लच है, ये वाला क्लच है, और ये वाला ब्रेक है। कहाँ पे ये ब्रेक है? और उसके बाद दबाओ ना, हाँ दबाओ, देख लीजिए इसकी साउंड देखे, ठीक है। और ये अशोक लेलैंड का है बस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बनाई है। और बॉडी फाइबर की बनाया है, इसलिए ये गर्मी में और तापमान नहीं होगा, ठीक है ठीक है, चलिए। तो हाँ। और यहाँ पे जीपीएस का भी है, जीपीएस भी मतलब जीएसआरटीसी का जो ऐप है उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बस पहुँची है कहाँ पे नहीं, वो फास्टैग हो गया, यहाँ पे रूट बोर्ड हो गया। और ये मिरर हो, ये मिरर किस लिए काम का आता है? पीछे देख सके। और कितने लीटर की टंकी होती है इसमें? 260 लीटर। और कितना आप लोग फुल करवाते हैं? फुल करवाते 230 लीटर। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? 3 साल का। 3 साल का, अभी यही रूट में द्वारका में चलता था, द्वारका में भी, सूरत से द्वारका, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ कि कचरे के लिए ऑलरेडी जीएसआरटीसी ने यहाँ पे कचरे का डिब्बा दिया हुआ है। ये वाली बस बहुत ही अच्छी बनाई है, जीएसआरटीसी को मेरा हैट्स ऑफ है, इम्प्रूवमेंट किया है कलर में, लुक में, डिजाइन में और साथ ही साथ इंटीरियर में। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है इसमें जर्नी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आशीष भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी अभी द्वारका से आए हैं, स्पेशल द्वारका से आए हैं। मैंने फोन किया कि आशीष भाई कहाँ हो, एक बार हमारी बस में आ जाओ, उन्होंने इंस्टेंट हाँ कर दिया और मना भी नहीं किया। ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और जो ओल्ड वाली बस थी और ये वाली बस में क्या डिफरेंस आपको लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। और हमारे जो ड्राइवर साहब है उनका भी थैंक यू, ब्रांड न्यू बस में आपको जर्नी करके दिखाना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अभी मिलता हूँ नई जर्नी के साथ, नए रूट के साथ, नए सफर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।